हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अयान मॉम एंड ब्यूटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 15 अगस्त, और 15 अगस्त के साथ साथ है रक्षाबंधन, यानी दो दो त्यौहार एक साथ। ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। और यहाँ ये मेरी फैमिली है, ससुराल की फैमिली, इसमें बहुत अच्छा एक ओकेशन चल रहा है, फंक्शन चल रहा है, जो भी कहो। तो यहाँ पे ये मेरे मामा जी हैं, यानी मम्मियाँ ससुर हैं, और इनका बर्थडे मनाया जा रहा है। सोचो बर्थडे के दिन ये हमारे यहाँ आ गए, और बर्थडे के साथ साथ मेरी मम्मी जी जो सासू माँ हैं और मेरी मौसी जी, दोनों बहनों ने मिलके इनका बर्थडे मनाया और संग में राखी बांधी। तो ये फंक्शन चल रहा है और पूरा परिवार इकट्ठा है, बस हमारी फैमिली जो यहाँ पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, नहा धो के भगवान जी को राखी बांध रही हूँ। सुबह सुबह हमारे यहाँ सबसे पहले भगवान जी को राखी बांधते हैं, तभी फैमिली में किसी को बांधी जाती है। तो मैं यहाँ पे गणपत बब्बा को राखी बांध रही हूँ और उनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि सबका रक्षाबंधन बहुत अच्छा मने और सभी खुश रहें और सबका भाई बहनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। और यहाँ पे अब हमारे छुटकू बैठे हैं राखी बंधवाने के लिए, तो इनकी कोई दीदी नहीं है यहाँ पे, ना छोटी बहन है बांधने के लिए। इनकी बुआ जी की राखी आ गई है, इनकी राखियाँ आ गई हैं, तो इनकी राखी अब मम्मा बांध रही हैं। बुआ की राखी बांधेंगे, बुआ जी तो राखी भेजी है तुम्हें, इसकी रुमाल रुमाल तो दो भाई, रुमाल भी तो डालेगा सर पे, रुमाल ले आओ। रुमाल लेके आ तुम, खुश है बंधवाने के लिए, तुम्हारी राखी है इसमें, भगवान जी की तो बंध गई, गिराना नहीं। इसको कैमरा दिखाओ भैया, को कैमरा दिखाओ, ये तो बहुत बड़ी है, नहीं तो तुम खा जाओगे। भैया भेजे दो मम्मा को, नहीं दोगे तो मेरे बांधो, तुम्हारी बांधो, पागल हो गई, तेरे से राखी बनवाऊंगा मैं, तो फिर कैसे, तो अपनी खुद बांध लूंगा, अपनी अपनी बांध लेंगे, और फिर टीका कैसे, अपने अपने लगाएंगे, मैं तुझे बांध, टीका तुम्हें लगा, मैं तुझे बांध लूंगा, नहीं नहीं मुझे क्यों बांधोगे, क्यों मैं तेरे को बांध सकता हूँ, क्यों तो मैं तुम्हारी बहन हूँ, भाई थोड़ी ना बहन को राखी बांधता है, ऐसे करो अपने अपने हाथ बांधो, ठीक है, तो अपने हाथ से बांध दो, मैं अपने हाथ से बांध, यहाँ पे आयान के पापा जो अपने हाथों से राखी बांध रहे हैं, तो उन्हें अपने दांतों का यूज करना हो रहा है, तो कह रहे हैं अपने हाथ से बांधने में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, मेरी तो आराम से बंध गई। मेरी बहन की तरह है, तुम्हारी छोटी सी बहन है, छोटी सी बहन है उसकी, छोटी सी बहन है, आज जाना है यार, तो कम से कम मुझे आज छुट्टी, मैं कब से कह रही हूं तुम्हारी 15 अगस्त को छुट्टी होने का है, हर बार मेरे 15 अगस्त की छुट्टी तो कह रहे हो हां है, और मैं सोच रही थी आज से घूमने चलेंगे, ऐसे भी ले चलेंगे, एक तो कहीं गए नहीं, घर भी नहीं जा पाए, तो वैसे ही सुना सुना सा लग रहा है, बेकार बेकार था, और तुम और मजा पूरा कित रहा हो, ऑफिस से फोन आ रहे हो, ऑफिस भागो, मेरी 15 अगस्त की छुट्टी थी, लेकिन काम ऐसा है कि एक दिन पहले ही पता चलता है कि आज फलाना मीटिंग है, आज ये मीटिंग है, आज वो मीटिंग है, नहीं यार रिपोर्ट देनी सब मिलकर, वो भी कह रहा है कि आज घूमने करने नहीं ले जा रहे हो पापा छुट्टी के दिन, घूमने जरूर चलेंगे, घूमना मिस नहीं करेंगे, अपने बेटू को लेके चलेंगे, शाम को आएंगे, शाम को तुम्हारा समय से ही रहता है, ठीक है, एकदम से फोन आता है तेरे को पता है, इनको भी आज ऑफिस में बुला लिया, पहले ये बोल रहे थे छुट्टी है मेरी, एक तो हो जाएगी आज 15 अगस्त की, और फ्राइडे की छुट्टी ले लूँगा मैं, और सैटरडे संडे की होती है, तो 4 दिन आराम से छुट्टी रहेगी, तो मतलब कुछ भी हम लोग घूमने फिरने वगैरह जा सकते हैं। बट क्या हुआ, इनको अचानक ऑफिस में फ़ोन करके बुला लिया है कि इनको कुछ काम है, क्योंकि कल मीटिंग है कोई, तो इनको उसकी वजह से जाना पड़ रहा है, नहीं तो आज मैंने इन्हें रोक लिया था। और खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू की कचौड़ी और सेवई, क्योंकि सेवई हमारे यहाँ रक्षाबंधन पे सावन के महीने में हमारे यहाँ ज़रूर बनती हैं, तो मैं खुद तो नहीं बना पाई घर पे, तो मैं एक पैकेट ले आई थी बनाने के लिए,
और बस मैं कचौड़ी का तैयार कर रही हूँ अभी। तो मैंने आलू तैयार कर लिया है, इसमें डाल दिया हरा मिर्च, हरा धनिया कटा हुआ और सारे सूखे मसाले, हरा पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च, अजवाइन, जीरा, हींग और गरम मसाला, ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और नमक लेके बाद में डालूँगी क्योंकि आलू गीला हो जाता है, अगर पहले डाल दो। और जो मैं आटा लगा रही हूँ कचौड़ी का, इसमें भी मैं थोड़ा सा अजवाइन और नमक डालती हूँ आटे में भी। तो जो कचौड़ी का आटा है वो मैं थोड़ा सा गीला लगाऊंगी पूड़ी का, जबकि आटा टाइट होता है, ताकि एक भी कचौड़ी टूटे ना, मतलब उससे आलू ना निकले। तो ये लग गया है और कचौड़ी बाद में बनाऊंगी, पहले अयान का खाना दे दूँ क्योंकि वो जग गया है। तो ये थोड़ा खिचड़ी गर्म की है, इसमें केला ग्राइंड करके खिला दिया है मैंने इसे, और ये खा पी के आ गया है। और अब मैं जा रही हूँ सेवई भूनने के लिए। और तो सेवई के लिए मैंने एक चम्मच घी डाला है, उनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी एकदम ब्राउन ब्राउन सी। तो जब इसमें खुशबू आने लगेगी अच्छी सी, तब जो है सेवई अच्छे से भुन जाती है। और यहाँ पे अब मैंने ये दो पैकेट जो है दूध मंगाया था सेवई के लिए, और दो पैकेट मैंने दूध पहले से गर्म करके रख लिया है सुबह वैसे यूज़ के लिए। तो यहाँ जब तक ये दूध खोलेगा तब तक मैं सारे ये सूखे जो मेवे हैं, काजू बादाम, इनको काट ले रही हूँ, और इलायची भी मैंने पीस के रख ली है। तो बस ये सेवई हमारी पकी जा रही है जल्दी से, और उसके साथ मैं बना ले रही हूँ कचौड़ी। तो मैंने छोटे वाले चूल्हे पे रख दिया है अब जो है सेवई को, और बड़े वाले चूल्हे पे मैंने कचौड़ियाँ सेकनी शुरू कर दी है। और कचौड़ी हमेशा मैं मिडिल फ्लेम में सेकती हूँ, ताकि अच्छे से धीरे धीरे से, अब आँच में सेकती है ना तो बड़ी करारी करारी से बनती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बनाते बनाते मुझे एक बार बंद करके बीच में जाना पड़ा क्योंकि अयान रोने लगा था आके। और फिर ऐसे ही होता है बच्चे के साथ में जब अकेले हो, क्योंकि इसके पापा भी नहीं हैं अभी। तो फिर मैंने इसको क्या किया, इसने पॉटी कर दी थी, मुझे बताने में शर्म नहीं है क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो इसको फिर से एकदम नहाया है, दोबारा से कपड़े भी चेंज हो गए, और बीच में मैंने फिर आके कचौड़ी बनाई। तो बस बनाने के बाद मैं भगवान जी को लगा रही हूँ प्रसाद। सबसे पहले मैं भगवान जी का प्रसाद लगाती हूँ। हेलो हेलो, कह दो हैप्पी रक्षाबंधन, बोलो, कह दो हैप्पी रक्षाबंधन, बोलो, कह दो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बोलो बेटू। गंदा लड़का, गंदा लड़का, एयरबैंड लगा रहे मम्मा के, एयरबैंड लगा दो, जो लगा दो एयरबैंड। आ रहा हो, इधर आ, इधर आ, इधर आ, एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा। जा खड़े हो रहे हो, बैगन की टोकरी में तो रहे थे, बैगन नीला तुम्हारी लो रहे थे, मम्मा ने पैसा दी हंस रहे थे, पापा ने लड्डू दिया तार रहे थे। ये इतने वो हैं, वैसे कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसे खेलेंगे बैठ के। जब काम करते हैं ना तब इनके सारे नाटक शुरू होते, सारे नाटक कान पे काम के टाइम ही शुरू होते हैं। आके जमीन पे ही लेट गई हूँ मैं तो, और बस बहुत थक गई। फिर खाना वाना खाया बनाने के बाद, और सुबह इनको राखी वाखी बांधी, ये सारे काम किए हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा रक्षाबंधन तो ऐसा ही फीका फीका सा चला गया, क्योंकि मेरी सब बाकी सारी सिस्टर ने राखी बांधी है, मतलब एक भाई है हमारे और हम चार बहने हैं, तो बाकी सब ने राखी बांधी है भाई को, सब लोग पॉसिबल था जाना। मैं यहाँ 2000 किलोमीटर दूर हूँ तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो सारी चीज़ें ऐसी फीकी फीकी सी चली गई हैं, मतलब किसी चीज़ में, मतलब क्या बनाओ क्या करो, अकेले के लिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और महोबा का तो रक्षाबंधन इतना ज़्यादा फेमस है, इतना ज़्यादा फेमस है आला उदल की वजह से। और वहाँ पे आज के दिन राखी नहीं बनती है, एक दिन बाद बनती है, यानी कि आज नहीं बंधेगी, एक दिन बाद वहाँ राखी बांधी जाती है। और महोबा का कजली मेला तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सब जगह जाना जाता है। तो वहाँ पे आला उदल की झांकी वगैरह निकलती है कजली मेला में। तो हम अपने मामा के घर से जाके देखा करते थे, उनकी छत पे बैठ के बहुत अच्छा लगता था। मेले में से चीज़ें खरीदा करते थे, हमें थोड़े थोड़े से पैसे ही मिला करते थे मामा वगैरह, उस टाइम पे 10-10 रुपये, 20-20 रुपये सब लोग दिया करते थे। तो उसी से हम चीज़ें खरीदते थे, उस टाइम पे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये बहुत होते थे। तो वो चीज़ एक बहुत ही अलग मज़ा रहता था, वो सारी चीज़ें इतनी फीकी फीकी सी लगती हैं, लगता ही नहीं कोई त्यौहार है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं अच्छा लग रहा था मेरे को, बहुत ही मूड अपसेट हो रहा। और आज ये भी ऑफिस गए, मैंने मना किया था कि आज ऑफिस मत जाओ, बट ये माने नहीं। हाँ भैया क्यों ले चल लिए हो, और ये देखो अभी बाल गीले हैं क्योंकि सुखाए नहीं, मैं सीधे काम में लग गई थी।
तो आज का वीडियो फ्रेंड्स कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करा करिए, एक लाइक करा करिए, इससे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करा करिए, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और रात में बैठ के पढ़ती हूँ जब सारे काम से फ्री हो जाती हूँ। सब चीज़ें दिन में तो सारा काम में ही निकल जाता है, तो मैं रात में सबके कमेंट बैठ के पढ़ती हूँ, भले ही 12 बज जाए 1 बज जाए। तो प्लीज़ कमेंट करा करिए, संकोच मत किया करिए बिल्कुल भी मेरे साथ। खूब सारे कमेंट करिए, खूब सारे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी अब मैं। तब तक लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, लव यू ऑल, बाय बाय। बेटा बोलो बाय बाय, तुम तो ढक्कन खा लो, खा जाओ ढक्कन, बाय बाय। बिल दो भैया, फिर सब कहेंगे गंदा लड़का है। कर दो बाय बाय, कर दो बाय बाय, लव यू, बोल दो बेटा बाय बाय, बाय बाय।